हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, विदेशियों को भारत के रीत रिवाज से शादी करता देख पाकिस्तानियों के इस टाइम उड़े हुए हैं होश। तो भाई साहब, ये आजकल वाकई बहुत ज्यादा देखे फॉरनर भारत आके, हाँ यार, स्पेशल भारत के रीति रिवाज में जिस तरह भारतीय लोग हिंदू लोग शादी करते हैं उसी तरीके से शादी कर रहे हैं। और मतलब उसको देख पाकिस्तानी भी शौक है कि भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर कहाँ पहुंच गया। तो क्या बोलते हैं पाकिस्तानी, देखते हैं इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट ये देखो भाई, अंग्रेज टोटली इंडियन, टोटली इंडियन स्टाइल में, इंडियन कपड़े पहने में सबने। और ये वेडिंग अगर देखे तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी भी, ये फॉरनर है। आई लव इंडिया, लाइक आई मीन टू से दैट आई लव द इंडियन कल्चर सिंस इट्स लाइक सो क्लोज टू आवर्स। I love Indian places, all the Indian cities, they're just beautiful. So I would love to visit India. ये देखो भाई, यार वाकई यार सही बोला है। ये यूरोपियन कोई लग रहे हैं, अमेरिकन जहाँ भाई। ये देखना, और एक जोड़ा नहीं, बहुत सारे जोड़े शादियां कर रहे हैं भाई। आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर, मुझे उनकी उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम somehow उस चीज को सेलिब्रेट करें रिलीजन को साइड पे रख के। हम लोग जो है वो बस हिंदू काफिर और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ है, जबकि वो अपने डेवलपमेंट में मसरूफ है। उनको फर्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तान नीज को भी यही कहना चाहूंगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीकों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। प्यार से रहें। श्रीमद् भागवत में जो कहा गया है कि वाइफ इज सो हेल्पफुल दैट शी इज कॉल्ड द बेटर हाफ ऑफ अ मैन्स बॉडी बिकॉज़ ऑफ हर शेयरिंग इन ऑल ऑस्पिशियस एक्टिविटीज। I'm so happy and I'm so looking forward to spend my future with you. With you. हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, वो जब इंडिया से होके चले जाते हैं एक दफा तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मजे का है कि भाई क्या करें। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। कि हम अपना कल्चर किस तरह से पूरी दुनिया में मनवा सकते हैं, कैसे अपने कल्चर को आगे ला सकते हैं जैसे इंडिया ने मनवाया उस तरह। सबसे पहले तो हमें दुनिया के सामने लाने के लिए सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर हम लोग अपना कल्चर नहीं फॉलो करेंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा। हम लोग देखें, हम लोग यूएस को देखते हैं, बाहर के लोगों को देखते हैं, हम उनके जैसे ड्रेसिंग करने की सोचते हैं। अगर हम लोग अपने कल्चर को फॉलो करें तो ये भी तो हो सकता है कि बाहर के लोग हमारी जैसी ड्रेसिंग करने का सोचे। हम इस तरफ आते ही नहीं है, तो हमारी अपनी आइडेंटिटी तब जो है नजर आएगी जब हम लोग सब लोग यहाँ पे फॉलो करना शुरू करेंगे और उसको अच्छा समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार विदेशी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं और साथ ही हिंदू रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, यह देखकर पता चलता है कि किस तरह विदेशी लोग सनातन धर्म को बड़े ही प्यार से गले लगा रहे हैं, साथ ही वैदिक रीति रिवाजों के संग भी चल रहे हैं। दोस्तों, वैदिक धर्मों के अनुसार शादी करने पर दो लोग 7 जन्मों के बंधन में बन जाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए सभी वचन उन्हें आने वाले जीवन में सुख दुख में साथ चलना सिखाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि जो भी सनातन को जान लेता है वो सनातनी बन जाता है और इसे लोग अपने दिल से अपनाते हैं। इसके लिए किसी तरह के जोर या दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग हरि नाम में मग्न होकर रोड और मंदिरों में कीर्तन करते भी नजर आते हैं। जब आप दिल से किसी चीज को मानते हैं तब आपको उस चीज को करने में सबसे ज्यादा आनंद आने लगता है और फिर दुनिया की मोह माया से दूर केवल ईश्वर का नाम आपके दिल को सबसे ज्यादा तसल्ली देता है। दोस्तों, वैसे जो लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और ये वेडिंग अगर देखे तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी।
एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर है। इंडियन बॉयज से आजकल पूरी दुनिया की लड़कियां शादी करना चाहती हैं, लेकिन इंडियन नहीं करता। इंडियंस नहीं करना चाहते, नहीं करना। अभी वो कल हमने वो देखा था, मुझे मैसेज आया था, तो लव मैरिज सिस्टम है ना, तो लव हाँ, ये भी तो लव है ना। वो जो फायजा थी वो ईरानी लड़की थी, वो इंडिया शादी करने आई थी और अब उन्होंने शादी कर ली। अब ये आप देख ले, ये भी फॉरेनर है या ये रशियन होंगी या फिर इस तरह जर्मन वाले लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोरे होते हैं। तो उन्होंने केरला के लड़के के साथ क्या कर ली, शादी कर ली, सनातन धर्म अपना लिया। तो दो लोगों के बीच जो शादी होती है ना, ये सिर्फ रसूमात का नाम नहीं है, फिल्म्स का नाम। और यार बहुत आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, ये बात है। हाँ, शादी होती है इसमें धर्म बड़ा अहम होता है। जैसे दोनों हिंदू होते हैं या फिर एक हिंदू होता है, एक मुसलमान होता है, लेकिन जब वो आपस में इस चीज को डिस्कस करते हैं, जैसे वो लड़की देखो नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिंदू तरीके से सारे रीति रिवाज वो अपना रही। एग्जैक्टली, तो मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ साथ सनातन धर्म को भी क्या कर रही है, अपना रही है। आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर, मुझे उनकी उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, मैं दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम समहाउ उस चीज को सेलिब्रेट करें रिलीजन को साइड पे रख के। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये था यार सारा सीन। यार मैं एक बात करूं भाई, बाकी ये गोरे वगैरह देखे जाए ना, यहाँ तक कि आप तो पाकिस्तानी भी भाई, इंडियन देखो, इंडियन पाकिस्तान में आपको इंडियन मूवीज मिलेंगी, इंडियन ड्रामेस पाकिस्तानी देख रहे हैं, इंडियन वेब सीरीज पाकिस्तानी देख रहे हैं। मैं कहता हूँ अपने कंटेंट से ज्यादा इंडिया का कंटेंट इधर पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमारे जो पाकिस्तान में हमारे जो अक्सर इंडिया में कोई भी ट्रेंड होता है नहीं भाई, हमारे जो अक्सर शादियां ना उसमें जो रस्में हैं वो इंडिया से मिलती जुलती हैं। और भाई मैं आपको मर्जी की बात बताता हूँ, अब मुकेश अंबानी की शादी हुई, इंडिया में कोई बड़ा ट्रेंड निकलता है पाकिस्तानी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आप अंदाजा, ये तो पाकिस्तान की। और आप ये गोरे मोरे भाई डेस्टिनेशन वेडिंग्स इन्होंने रखी हुई है, सारी इंडियन अच्छा। मैं एक इधर और बात करना चाहूंगा, आजकल जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह, हम अपने हम लोग पता है शर्म महसूस कर रहे हैं, हम वेस्टर्न तरीके अपनाने के चक्कर में, अपना कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार, चाहे कोई त्योहार चाहे किसी भी कंट्री में उठाकर देख लो, वीडियो पड़ी हो इधर आप कुछ भी उठाकर देख लो, कोई भी त्योहार हो वो ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस उनको देखकर दूसरे लोग भी पहनते हैं, उनको देख वही अपना रहे हैं। ड्रेस देखो पूरे के पूरे साड़ियां पहन के, लहंगे शहंगे पहन के शादी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो छोड़ो जो अंग्रेज आजकल जो लड़की है ना, वो उन्होंने सनातन धर्म अपना कर इंडिया में रह रही है, इंडिया में रह रही है। हाँ, कितने हरिद्वार केदर केदर रह रहे हैं। बिल्कुल, तो यार ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया से भाई मतलब इंडियंस को इतना ज्यादा फॉलो किया जा रहा है और इंडियंस अपने कल्चर को फैला रहे हैं पूरी दुनिया। देखो फैला रहे हैं, यही तो बात है ना। अभी तो अगर हमें बात आती है पाकिस्तान की, कहते हैं कि हम पाकिस्तान कहता है कि जो फॉरेनर्स कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज जितनी है ना हम उनको फॉलो करें, ये सिस्टम चल रहा है। आपका ये सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें आप क्या सोचते हैं। और बाकी भाई इंडिया नेक्स्ट लेवल हो गया भाई, जिस तरह पूरी दुनिया अब आ रही है भारत में शादी, पता नहीं क्या कुछ कर पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान में अक्सर जो इधर काफी सारे ऐसे एरिया हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से ड्रेस वगैरह वो पहनते हैं, लेकिन अक्सर जो अमीर तबका है वो ये चीज नहीं करता। आपका कहना अपने रिकमेंड सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा कह रहा है।